फ्रेंड्स, माय नेम इज हितेश कुमार गर्ग एंड नाउ यू आर वाचिंग एसजीजी गाइडेंस। यहां आपको मिलेगा कैरियर से रिलेटेड चीजें और आपकी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। तो स्टार्ट नाउ फ्रेंड्स। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आदमी पानी में कूदने से नहीं मरता, मरता है केवल डर से। तो फ्रेंड्स, डर को निकालो और आगे बढ़ो। फ्रेंड्स, आपने बहुत वीडियो देखी होंगी जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन एचआर से रिलेटेड बातें होती हैं। मैं आज आपको बताऊंगा, मेरे को इस इंडस्ट्री में 18 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने मैन्युफैक्चरिंग, रियल इस्टेट, आईटी, बीपीओ, होटल इंडस्ट्री, ऑलमोस्ट ऑल जितनी भी टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज इस इंडिया में मौजूद है, मैं वर्क कर चुका हूँ। मैं आज आपको बताऊंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन एक ऑफिस के लिए कैसे, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या होता है और क्या वो रीढ़ की हड्डी होती है ऑफिस में, हाँ या ना। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप पे। सो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे हैं एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए कंपनी के अंदर क्या क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या गोल सेट्स होते हैं कंपनी के अंदर एक एडमिन वाले पर्सन के लिए। फ्रेंड्स, एडमिन टीम डिपेंड करती है ओवरऑल कंपनी की स्ट्रेंथ के ऊपर, कंपनी की फैसिलिटी के ऊपर कि कितनी बड़ी कंपनी है और कंपनी की एम्प्लॉय स्ट्रेंथ के ऊपर। तो चलिए हम लोग मेन गोल्स की बात करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो आता है वो आता है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम लोग जो बात करते हैं, हम बात करते हैं डे टू डे एक्टिविटीज। डे टू डे एक्टिविटीज मींस आपका फ्रंट ऑफिस, वेंडर मैनेजमेंट सिस्टम, आपके सिक्योरिटी पर्सन द्वारा मेंटेन की जाने वाली जितने भी रजिस्टर्स होते हैं, मटेरियल इन मटेरियल आउट, कोरियर इन कोरियर आउट, सैंपल रजिस्टर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैगजीन रजिस्टर, व्हाटएवर, वो जो जितने भी मेंटेन करते हैं रजिस्टर, उनकी जनरल चेकिंग डे टू डे। बिकॉज क्या होता है कि अगर आप उसे हफ्ते में 10 दिन में एक बार देखेंगे तो जो एरर के चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। वही हम अगर डे बाय डे अगर एक्टिविटी में उसे सॉल्व कर देंगे, आई थिंक वो बेटर रहता है। ठीक है, सबसे पहला तो यही हो गया। दूसरा होता है फैसिलिटी मैनेजमेंट। फैसिलिटी मैनेजमेंट के अंदर कुछ ऑफिसेज के अंदर, कुछ कंपनीज के अंदर फैसिलिटी मैनेजमेंट के लिए आउटसोर्स कंपनीज होती हैं या उनकी एक अलग टीम होती है। मतलब ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो 80% जो ऑफिस होती है, जो एडमिन पर्सन ही होता है वही फैसिलिटी मैनेजमेंट हैंडल करता है। फैसिलिटी के अंदर हम लोगों को फैसिलिटी ऑपरेशनल लाइक प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉपर हाइजीनिक, अ पार्ट ऑफ दैट प्रॉपर वर्किंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करना इन टर्म्स ऑफ एज पर द प्रोजेक्ट एज पर द एम्प्लॉय कन्वीनियंट। फाइनलाइजेशन ऑफ न्यू फैसिलिटी भी एक पार्ट है फैसिलिटी मैनेजमेंट का। डिटेल अगर आप बोलेंगे तो डिटेल मैं आपको बाद में प्रोवाइड करा दूंगा या हम एक एक टॉपिक पे बाद में एक अलग से वीडियो प्रेजेंट कर लेंगे। थर्ड आता है हाउसकीपिंग मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, आज के टाइम में जैसा हमें पता है COVID-19 पैंडमिक हर जगह फैला हुआ है, तो एक हाइजीनिक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के लिए सबसे बड़ा काम होता है अपने पूरे ऑफिस को हाइजीनिक रखना। अ पार्ट ऑफ दैट सैनिटाइजेशन, प्रॉपर सैनिटाइजेशन, बिकॉज हाइजीनिक और सैनिटाइजेशन के बाद ही हम एम्प्लॉयज सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं किसी हार्मफुल डिजीज से। फोर्थ आता है सिक्योरिटी मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सिक्योरिटी मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बिकॉज जो हमारी सिक्योरिटी होती है
ऑफिस के अंदर, उस पे बहुत सी चीजें डिपेंड करती है हमारी। वो डे टू डे एक्टिविटीज में रजिस्टर मेंटेन्स करते हैं, जो भी चीज अंदर आती है बाहर जाती है, जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ चेक होता है और लास्ट पॉइंट जो चेक होता है वो सिक्योरिटी ही होता है। तो उसे मैनेज करना एक बहुत बड़ी आर्ट है और वही हमें करनी पड़ती। उसके बाद एक होता है कैफेटेरिया एंड कैंटीन मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, कुछ ऑफिसेज के अंदर कैफेटेरिया और कैंटीन आउटसोर्स होता है, या उनके पास टक शॉप वगैरह नहीं होती हैं। एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कैफेटेरिया मैनेज करना, कैफेटेरिया कैंटीन, इसको मैनेज करना पड़ता है, ताकि एज पर द टर्म्स ऑफ हाइजीनिक, एज पर द टर्म्स ऑफ आइटम्स अवेलेबिलिटी, ये सब कुछ। इसके बाद हम बात करते हैं वेंडर डेवलपमेंट एंड परचेज। फ्रेंड्स, वेंडर डेवलपमेंट और परचेज, कुछ कंपनीज के अंदर परचेज डिपार्टमेंट अलग होता है, तो वो जितने भी आपके एडमिनिस्ट्रेटर वेंडर्स होते हैं वही हैंडल करता है, बट ऑलमोस्ट ऑल द कंपनीज के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन ही आपके वेंडर मैनेज करते हैं। फ्रेंड्स, वेंडर मैनेज करना, वेंडर मैनेज कैसे करते हैं? वेंडर मैनेज होता है इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इन टर्म्स ऑफ पेमेंट टर्म्स, इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज, इन टर्म्स ऑफ एग्री SLAs। फ्रेंड्स, वेंडर कई तरीके के होते हैं। सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं, एक हार्डवेयर या किसी भी सप्लायर हो सकता है, ट्रेडर हो सकता है। तो इन सबको हमें एक SLA, एक एग्रीमेंट के अंडर इनको रखना होता है। और सबसे बड़ी बात होती है फ्रेंड्स, हमें अगर कोई भी चीज परचेज करनी है या कोई भी चीज करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीथिंग शुड बी इन SLA एज पर द एग्रीमेंट। अ पार्ट ऑफ दैट, इफ हम लोग, अगर आप लोग ये प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज एटलीस्ट PO जरूर रेज करें विद टर्म्स एंड कंडीशन, विथ पेमेंट टर्म्स एंड डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट। फ्रेंड, मेंटेनेंस मैनेजमेंट, ऑलमोस्ट जो मैनेज मेंटेनेंस की टीम होती है, जो जनरल ऑफिस के अंदर मेंटेनेंस करती है, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रीशियन, जनरल जो भी मेंटेनेंस टीम होती है, वो एडमिन को ही रिपोर्ट करती है। बिकॉज फ्रेंड, एक कंपनी के अंदर एडमिन, आप कह सकते हैं कंपनी के अंदर जब कोई पर्सन एंटर करता है और जब वो एग्जिट करता है, सारा ही एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। एडमिन ही सर्वे सर्वा होता है उस टाइम पे। सर्वे सर्वा मीन्स, यहाँ पे ये मत बोलेगा सर्वे सर्वा मतलब कंपनी का मालिक, कंपनी का मालिक नहीं होता, बट वो एक तरीके का बैकबोन है जो कंपनी के अंदर बैक ऑफिस काम कर रहा होता है। फ्रेंड, गेस्ट हाउस मैनेजमेंट, हम इसे गेस्ट हाउस मैनेजमेंट कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं होटल बुकिंग्स फॉर आवर गेस्ट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रैवलिंग मैनेजमेंट। ट्रैवलिंग मैनेजमेंट लाइक लेट नाइट कैब्स अरेंज करना, या हमारे जितने भी क्लाइंट्स आ रहे हैं उनके लिए VIPs गाड़ी अरेंज करना। थर्डली, या हमारे एम्प्लॉय या हमारे डायरेक्टर्स या कहीं ट्रैवल करते हैं लाइक डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लाइक एयर टिकट, ट्रेन टिकट और कैब्स, वट एवर थिंग्स दे रिक्वायर्ड एज पर द टर्म्स, एज पर द कन्वीनियंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। फ्रेंड्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जितने भी एसेट्स होते हैं जो कंपनी के अंदर एंटर करते हैं, वो एडमिन एसेट कहलाए जाते हैं। उनकी इन्वेंट्री होना, उनका रिकॉर्ड होना, डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ वारंटी एक्सपायर, टैगिंग, सब एडमिनिस्ट्रेशन से ही रिलेटेड वर्क होता है, जो एडमिन वाले को ही मेंटेन करना होता है। इवेंट मैनेजमेंट, फ्रेंड्स, आज हम कॉर्पोरेट पार्क, कॉर्पोरेट ऑफिसेस और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं। आज की डेट में इवेंट, बिकॉज आज की डेट में इतना स्ट्रेस ऑफ वर्क है
कि हर कंपनी अपने एम्प्लॉयज को कुछ रिफ्रेशमेंट देना चाहती है, कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करती है, मंथली, हाफ ईयरली, ईयरली। जो ये इवेंट होते हैं वो एक एडमिन टीम को ही मैनेज करना होता है। सेकेंडली फ्रेंड्स, कुछ और टॉपिक्स होते हैं जो मोस्टली एचआर का पार्ट होते हैं। किसी फ्रेंड्स, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं आईटी कंपनी, बीपीओस कंपनी या बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, वहां पे एक एडमिन पर्सन, एक एचआर पर्सन और फैसिलिटी पर्सन, ये सारे अलग अलग होते हैं। बट एक हम जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बात करते हैं, जहाँ पे स्मॉल कंपनीज की बात करते हैं, वहाँ पे एडमिन प्लस एचआर एक सेपरेट डिपार्टमेंट ना होकर एक कंबाइंड डिपार्टमेंट होता है। फ्रेंड्स, इसके बाद आता है वीजा एंड इमिग्रेशन मैनेजमेंट। वीजा क्या होता है सर? किसी को अगर किसी वर्क के लिए जाना है तो बिजनेस वीजा पे जाना है, उसका प्रोसेस कराना, लाइक यूएस का वीजा प्रोसेस कराना, चाइना का वीजा प्रोसेस कराना, जापान का वीजा प्रोसेस कराना, ये एडमिन का काम होता है। इमिग्रेशन, लाइक आपका कोई फॉरनर इंडिया में रहता है एज अ डायरेक्टर, एज अ एमडी, उसका रजिस्ट्रेशन एफआरआरओ में कराना, ये इमिग्रेशन वर्क एक एडमिन वाले को ही हैंडल करना होता है। प्रोजेक्ट प्लानिंग, फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ कंपनीज के अंदर एचआर और एडमिन अलग होता है, बट मोस्टली ऑफ द कंपनीज के अंदर, क्योंकि बहुत लार्ज स्केल पे इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है कि बहुत लार्ज स्केल पे कंपनीज हैं, स्मॉल स्केल पे, मीडियम स्केल पे, ऑलमोस्ट मोस्टली जो कंपनी मीडियम और मिड लार्ज स्केल पे काम करती हैं, और उसमें एडमिन और एचआर टीम उनकी कंबाइंड होती है। फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट प्लानिंग का मतलब ये होता है कि कोई प्रोजेक्ट आपकी कंपनी में आता है, प्रोजेक्ट के बाद एक आपके पास प्रेशर होता है उसके लिए स्पेस क्रिएट करना कि उसे किस एरिया में आपको सेटल डाउन करना है, उसके लिए एचआर की तरफ से या रिक्रूटमेंट की तरफ से क्या क्या जेडीज आपको रिक्वायर्ड होंगे, वो अपने एचओडीज, प्रोजेक्ट मैनेजर से बात करके जेडीज लेना, थर्ड इम्प्लीमेंटेशन करना, फोर्थ अगर उनका कोई स्पेशल शिफ्ट मैनेज हो रही है तो उसके लिए शिफ्ट प्लानिंग करना, और अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायर्ड है तो उसके लिए एक अलग से प्लानिंग करना। इन सब का जब हम ओवरऑल कॉस्ट मिक्स करते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद हमें एक फिगर देनी होती है अकाउंट्स को कि भैया इस प्रोजेक्ट पे हमने इतना स्पेस में खर्चा करा, इसका हमने इतना पर्सन हमने हैंड इसके अंदर पर्सन हायर करे जिसकी सैलरी ये है, इसके अंदर हमें ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करना पड़ता है तो उसकी सैलरी ये है, और अगर कोई रिफ्रेशमेंट हमें देना पड़ता है, लाइक अगर कोई उनकी स्पेशल शिफ्ट है, जब उनको कि भैया वो रखा खाना जब जा रहे हैं तो उनको खाना नहीं मिल रहा तो हमें रिफ्रेशमेंट देना पड़ता है, तो वो ओवरऑल कॉस्ट हमें प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंडर अकाउंट्स को प्रोवाइड करनी पड़ती है, जिसके बाद वो अपनी कैलकुलेशन करते हैं कि वेदर जो प्रोजेक्ट हमने लिया है वो लॉस का है या प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है। फ्रेंड्स, इंश्योरेंस मैनेजमेंट, इसमें हम दो तरीके के इंश्योरेंस की बात करते हैं। फर्स्ट होती है जनरल इंश्योरेंस, लाइक एसेट, वर्क कंपनसेशन लाइबिलिटीज, प्रोजेक्ट कंपनसेशन लाइबिलिटीज, एम्प्लॉय जीएमसी, एम्प्लॉय जीपीए, एम्प्लॉय टर्म प्लान, इस टाइप की जो इंश्योरेंस होती है वो एक एडमिनिस्ट्रेशन और एचआर पर्सन को हैंडल करना होता है, जिसके अंदर क्लेम सेटल करना, एसेट्स को या अपने एम्प्लॉयज को एड ऑन करना, डिलीशन करना, ये सब हमारा काम होता है। मंथली बेसिस पे हमें एमआईएस क्रिएट करके उनको भेजनी होती है इंश्योरर को। फ्रेंड्स, एचआर कंप्लायंस मैनेजमेंट, जैसा मैंने आपको बताया फ्रेंड, जहाँ पे एचआर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कंबाइंड है वहां पे उसको जितनी भी मंथली कंप्लाइंसेस होती हैं, ऑनलाइन कंप्लाइंसेस, ईयरली कंप्लाइंसेस, वो सारी मेंटेन करनी होती है। फ्रेंड्स, पीपल मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट एक अपने में बहुत बड़ा टास्क है। आज हर पीपल का एक अपना अपना अलग अलग व्यू है। सेकेंडली, किस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली फ्रेंड्स
आज मैं एक्स मेरे यहाँ एक्स वाई जेड दो तीन प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और कल जेड प्रोजेक्ट चला जाता है और उसके अंदर मेरी 30 की स्ट्रेंथ एम्प्लॉय रह जाती है जो बेंच पे आ जाती है। मेरे को एक ए प्रोजेक्ट आता है जिसके अंदर मुझे 20 एम्प्लॉय रिक्वायर्ड है, तो फ्रेंड मैं ये देखूंगा जो मेरे पास 30 एम्प्लॉय जो मेरे बेंच पे बैठे हुए हैं, क्या मैं उसे कुछ एड ऑन ट्रेनिंग दे के मैं उसे अरेंज कर सकता हूँ, उस प्रोजेक्ट में ट्रांसफर कर सकता हूँ, और मेरी जो कॉस्ट है कैसी रहती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जेड के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी जो मेरे को कॉस्टिंग पड़ रही है वो हाई है, और एक ही जो प्रोजेक्ट के जो एम्प्लॉयज जो मार्केट में मिल रहे हैं वो डाउन है। ये सब कुछ मैनेज करना पीपल मैनेजमेंट के अंडर में आता है, जो हैंडल करना होता है। टाइम मैनेजमेंट, फ्रेंड्स टाइम मैनेजमेंट के अंदर हम मोटा मोटा सीधा एम्प्लॉय इन आउट देखते हैं, उसके वर्किंग आवर्स देखते हैं कि कितने घंटे उसने काम किया, कितने घंटे उसकी वर्किंग परफॉर्मेंस रही है, विद द हेल्प ऑफ अपनी बायोमेट्रिक्स मशीन, अटेंडेंस मशीन, और हमें कभी कभार आईटी से हेल्प लेनी पड़ती कि पर्सन का सिस्टम कितनी देर उसने लॉगिंग रखा और लॉग ऑफ किया। इट्स डिपेंड ऑन द पर्सन परफॉर्मेंस, पर्सनल परफॉर्मेंस ऑफ द पर्सन। लाइजनिंग विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, फ्रेंड्स हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लाइजनिंग करनी पड़ती है, लाइक लेबर डिपार्टमेंट से, लाइक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से, बिजली बोर्ड से। अगर हमारा एक ऑफिस किसी लीज होल्ड प्रॉपर्टी के अंदर है, किसी मॉल के अंदर है, वहाँ पे तो हम इतनी लाइजनिंग नहीं होती, खाली लेबर डिपार्टमेंट से लाइजनिंग होती है। अगर हमारा एक ऑफिस है जो कि एक प्रिमाइसेस है, जो एक इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर डेवलप हो रहा है, वहाँ पे हमें डेवलपमेंट अथॉरिटी से लेके, बिजली बोर्ड से लेके, प्लम्बिंग से लेके, प्लम्बिंग डिपार्टमेंट से लेके, डिपार्टमेंट से लेके, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से हमें लाइजनिंग करनी पड़ती है टू स्मूथ, ताकि हमारा ऑफिस जो है वो स्मूथ रन कर सके। फ्रेंड्स ड्राफ्टिंग द एचआर पॉलिसी एंड एडमिन पॉलिसी, ये तो एक जनरल सी चीज है जो आपको शायद इस पॉइंट पे समझ में ही आ गई होगी। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, बजट एंड कॉस्ट कंट्रोल। फ्रेंड्स हमें एक बजट ड्राफ्ट करना होता है और हमारा सिस्टम उस बजट पे काम कर रहा है या हमारी जो कॉस्ट है वो उस बजट पे काम कर रही है। सेकेंडली हमें ये देखना होता है कि हम कॉस्ट कंट्रोल कैसे कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप में। फ्रेंड्स जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जब मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी थी वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल था बहुत हाई आता था, वहाँ पे करीबन 3 साढ़े 3 लाख रुपए का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता था, काफ़ी बड़ी प्रीमाइसेस थी वो। और जब मैंने फर्स्ट टाइम उसका बिल देखा आई वॉज सरप्राइज, क्योंकि उसमें जो पावर फैक्टर था वो बहुत डाउन था। मैंने इलेक्ट्रिशियन से बात करी, फ्रेंड्स वहाँ पे CFLs और पुराने जमाने की ट्यूबलाइट्स यूज होती थी और कुछ मोटर्स थी वहाँ पे, इंडक्शन मोटर, जिसके अंदर कैपेसिटर्स वगैरह खराब हो गए थे। क्योंकि मैं थोड़ा सा एक्चुअली फ्रेंड्स मैंने कुछ इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे इन चीज़ों में थोड़ी सी नॉलेज है, और प्लस मैंने कुछ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कोर्सेज कर रखे, तो मैं थोड़ा सा IT से रिलेटेड भी काम कर लेता हूँ, कर देख लेता हूँ। प्लस वहाँ पे जो UPS लगे थे वो पुराने जमाने के कॉइल बेस्ड UPS लगे हुए थे। फ्रेंड्स यू कांट बिलीव, विद इन अ 3 मंथ 50% कॉस्ट रिड्यूस हुई, बिकॉज उसका पावर फैक्टर 0.4 से, 0.4 या 0.5 से उसका पावर फैक्टर जो था वो सीधा 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 0.8 हुआ, फिर धीरे धीरे मैंने 0.9 लाया, फिर 0.9.5 आया, और फ्रेंड यू कांट बिलीव कि वहाँ पे बिजली का बिल आते आते 60-70% रिड्यूस हो गया था। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।